वेलकम बैक टू SSC स्मार्ट क्लासेस फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, उनके अप्रोक्सीमेशन के क्यूब रूट निकालना, और बड़े ही सिंपल और बड़े ही टेक्निकफुल वे में हम कुछ चीज़ों को, कुछ टेक्निक्स को सोल्व करना सीखेंगे। और लगभग मैं एक दो वीडियोज़ में ही मैक्सिमम पार्ट कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक क्लियरली इंडिकेशन एक ही वीडियो से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपका स्क्वायर रूट से निकालना। हाँ, तो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो सबसे पहले मेरे को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो मैं नंबर स्टार्ट करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा, 576 है। हाँ, तो हम लास्ट के दो नंबर देखेंगे इस तरह से स्लैश लगा करके, जो नंबर लेफ्ट ओवर बच जाएंगे लास्ट के दो नंबर पे आप स्लैश लगा दीजिएगा। तो सिक्स के पीछे देखिए आप, सिक्स किस किस के पीछे आता है, एक तो फोर और एक सिक्स, तो आप ये लिख लीजिए फोर और सिक्स, मैंने ये दो नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे अब क्या आएगा, अब फाइव है, किस किस के बीच में आता है, फोर और नाइन इसके बीच में आता है, तो जो छोटा है आप वो लिखिए, टू टू, इतना कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ये देखना है कि 24 होगा कि 26 होगा, तो इनके बीच में जो आता है 25, आप उसका स्क्वायर करिएगा, 625। अब अगर ये 625 से छोटा है तब तो आप लगाओगे कि ये छोटे वाला इसका आंसर होगा, अगर ये इससे बड़ा है तो मेरा आंसर हो जाता 26। ठीक है, लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 784, इसका क्या होगा, स्लैश लगाया, 4 किस किस के पीछे है, 2 के पीछे है और 8 के पीछे है, 7 किसके बीच में आता है, 4 और 9, छोटे वाला लिखना है, 2 2। अब मेरे को यहाँ पे देखना है 25 का स्क्वायर, 625। हाँ, तो ये 625 से बड़ा है तो ये मेरा आंसर हो गया। एक और नंबर देखते हैं, 93969, स्लैश लगाया, 9 किस किस के पीछे है, 3 और 7 के पीछे है, 39 किस किस के बीच में आता है, 36 और 49 के बीच में, छोटे वाला लिखना है। अब 65 का स्क्वायर करिए, अब 65 का स्क्वायर, हाँ ये चीज़ देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी नंबर है 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, कैसे निकालना है इनको देखिए। सपोज करो 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 तो आप ऑलरेडी लिखोगे ही, इसको एक इंक्रीज करके इसकी आपस में मल्टीप्लाई करना, 6 आ गया। अब 65 का करना था, एक नंबर ये 25 तो लिखोगे ही, इसको एक इंक्रीज कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 4225। अब यहाँ पे आ गया 4225। अब चेक कर लीजिए, अब ये नंबर इससे छोटा है तो ये मेरा आंसर हो गया। एक और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं केस, आपके पास 12996, स्लैश लगाइए, 6 का हो गया और 4 का हो गया। अब ये 129 किस किस के बीच में आता है, हाँ आपको थोड़ा सा और याद होना चाहिए, लगभग आप 30 तक तो ज़रूर याद रखिए, 30 के स्क्वायर तक आपको नंबर याद होने चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, हाँ तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 11। अब सवाल है कि मेरे को ये आएगा कि आंसर ये आएगा। अब 115 का स्क्वायर करिए, अगेन 25 एक बढ़ाइए, 11 और 12 की गुना करिए, कितना आएगा, 132। हाँ तो ये अब इतना आ गया, अब ये नंबर तो इससे छोटा है, ये नंबर से ये छोटा है तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है,
आगे हम किसी भी नंबर का स्क्वेयर करना सीखते हैं। हाउ टू स्क्वेयर एनी नंबर, ठीक है। उसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन देखेंगे और कुछ फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करो मेरे पास दो नंबर हैं, सपोज करो मैंने 28 का स्क्वेयर करना है, मेरे को कैसे करना है? ये बड़ा ही सिंपल वे है, आप उतने नंबर में वो दो डिक्रीज करिए और दो इंक्रीज करिए। मैंने दो इंक्रीज किया 30 इंटू दो डिक्रीज किया 26, इनके आपस में गुणा करिए, 6 3 18, 3 2 6 और 1 780 आ गए मेरे पास। प्लस अब जो दो आपने डिक्रीज या इंक्रीज किया था उसका स्क्वायर इसमें ऐड करिए, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। कुछ और कर लेते हैं, 93 का स्क्वायर करते हैं, 3 डिक्रीज करिए जो सबसे आपको आसान लगे और 3 ही इंक्रीज करिए, ठीक है। मैंने 3 इंक्रीज कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करिए, 9 6 54 5 आ गया, नीम नीम 81 और 5 86। प्लस अब 3 का स्क्वायर करिए, वो इसमें ऐड कर दीजिए, 8 6 4 9। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि मेरे को अगर दो बड़े बड़े नंबर दिए हों तो उनको मैं डिवाइड करके सोल्व कैसे करूँगा, ठीक है। लेट से कि मेरे को कोई नंबर दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन का मैं पहले ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद जो स्क्वेयर रूट हमारी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है उसको हम सोल्व करना सीखेंगे। हाँ, तो पहले ये टेक्निक सीखते हैं। ये नंबर दिए हुए मेरे पास, अब इस नंबर को मैंने बताना है कि क्या आएगा। मैं क्या करूँगा, पहले ये लास्ट टू डिजिट जो हैं इनको हटा दूँगा, ये लिख दिया मैंने। अब अगेन मेरे को क्या करना है, मेरे को अप्रोक्स इसको टू डिजिट राउंड डिजिट में बनाना है जिसमें 2 0 आ जाएं। मैं इसको 200 लिख सकता हूँ, मतलब मैंने प्लस का 31 किया तो मेरे पास 200 आ गया। तो जो 31 किया इसको मैं अप्रोक्स क्या मानूँ, 200 कर दूँ, इसको मैंने 200 ले गया मैं, तो ये 1 आ गया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, देखिए, अब 144 में आप ये जो 31 आया और ये जो हमारा नंबर मिला ये इसमें ऐड करिएगा और उसको 200 से डिवाइड करिएगा। ये 175 आया, ये 200 से डिवाइड कर दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 875। ऑल्दो जब आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो 0.85 समथिंग मिलेगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन लगभग इतना आपको मिल जाएगा। 1 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये लगभग सेम ही रहने वाला, उससे बाद लगभग 0.02 की इनएक्यूरेसी आपको रह सकती है। एक और क्वेश्चन देखिए, 4 6 8 2 9 डिवाइड बाय 3 8 7 9 9। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये जो दो डिजिट हैं ये उड़ा दो। हाँ, ये दो डिजिट उड़ाने से जो मेरा रिजल्ट है वो अभी भी वही रहने वाला है, ठीक है, ठीक है, अभी भी ये सेम ही रिजल्ट रहने वाला है। लेट्स चेक इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। देखिएगा, 4 6 8 2 9 डिवाइड बाय 3 8 7 9 9, 1.2069 समथिंग आएगा। और यही अगर मैंने 4 6 8 डिवाइड बाय 3 8 7 ये किया होता तब भी मेरा आंसर लगभग दो डिजिट तक तो सेम ही रहने वाला है। यानी कि अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको इसी की मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम। ये मैंने लगभग
13 जोड़ करके 400 बना दिया, और इसको मैं थोड़ा सा बैक ले गया, से मैं इसको 400 ले गया। कुछ भी ले सकते हो, जितना ज़्यादा आप इसके करीब लेके आओगे उतना ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 आ गया। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करिए। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, 3387, ये तो 400 ही था, इसमें आप ये 13 जोड़ दीजिए, कितना बन गया, 481। कितना आ गया, और ये 4 से डिवाइड करना तो कोई टफ टास्क नहीं है, तो ये आपको मिलेगा। मतलब इतना सोल्व करना तो आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ, तो इसके बाद हम अप्रोक्स स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने सीखे थे। हाँ, तो अभी हम सिर्फ परफेक्ट सीखेंगे, पूरा परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करो एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, तो ये कैलकुलेटर से जब मैंने किया तो मेरे को आ गया। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये नंबर एग्जैक्टली लाई किसके बीच में करता है। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है, तो ये लगभग 400 का स्क्वायर और 600 का स्क्वायर इसके बीच में है। अब मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपको लेना कौन सा है जो सबसे नज़दीक है। 600 का स्क्वायर लगभग आपको इतना देगा, इसमें से ये नंबर माइनस करिएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब वो एक ये वाला मेथड भी मैं बताऊंगा, वो बाद में देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 600 का जो स्क्वायर है, 600 लिख के प्लस में ये माइनस, क्योंकि ये 600 से थोड़ा सा कम होगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ये जो 600 है, हाँ, तो इसको सोल्व करना तो कोई टफ टास्क नहीं है, वो तो एक इजी सा टास्क है। हाँ, तो 600 माइनस कितना आया, तो बिल्कुल आपको अप्रोक्स इसके साथ का मिल गया। हाँ, तो अगर मैं इधर से करता तो मैं 400 करता, यहाँ पे प्लस होगा। अब 400 का स्क्वायर मींस इतना होगा, और ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर था मेरे पास, इसमें से माइनस करूँ, तो ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है। ये नंबर जितना कम करोगे उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों में आपको ये चीज़ यहाँ पर और यहाँ पर जितनी कम मिले उतना आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेगा। हाँ, तो ये बेस्ट रिजल्ट आपको देगा, ये तो आपका क्वेश्चन ही गलत कर देगा। आप जितना इसके करीब पहुँचोगे उतना आप आंसर के करीब पहुँचोगे। तो दोनों में आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू के नज़दीक आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन करिएगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। कोई भी शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है इससे, ये कंसेप्चुअल पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
चलिए आगे हमने स्क्वायर रूट के बारे में जाना, कैसे नंबर का स्क्वायर करना है, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है। अभी हम लास्ट देख लेते हैं कि पता कैसे चलेगा। वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, चलिए शुरू कर लेते हैं ये भी वीडियो। देखिए अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 हो, 100% श्योर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज हो गया। लेकिन अगर किसी नंबर के पीछे ये हो तो वी हैव टू चेक डिजिटल रूट, हमें डिजिटल रूट चेक करना पड़ेगा। अब कंसेप्ट पे चलिए, डिजिटल रूट क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ स्मार्ट वे में कि डिजिटल रूट क्या होता है। 0 से 9 तक का अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका सम 0 से 9 के बीच में आ जाता है, तब तो वही उसका डिजिटल रूट कहलाने वाला है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन 9 से अगर बड़ा आ जाए फिर अगेन उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मेरे को इसका डिजिटल रूट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। अब 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 9 से क्या है बड़ा है, तो इनको ऐड करिएगा, 4 आ गया। अब 4 और 8 12, अगेन 9 से बड़ा है, इनको ऐड करिएगा, 3 प्लस 9 12, अगेन 9 से बड़ा है, इनको ऐड करिएगा। ये क्या हो गया, ये मेरा डिजिटल रूट हो गया। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे नंबर के पीछे का डिजिटल सम, सॉरी नंबर के पीछे अगर ये हो, नंबर एंड विद दिस, तो अगला स्टेप क्या होगा, आई हैव टू चेक इट्स डिजिटल रूट। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया। अब अगेन इसमें दो केसेस बनेंगे हमारे। ठीक है, डिजिटल रूट करके अगर ये वैल्यूज आई, डिजिटल रूट करके ये वैल्यूज आई, नॉन परफेक्ट स्क्वायर 100% वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर अगेन ये आई, टू चेक फर्दर, मुझे अगेन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मेरे को कैसे चेक करना, हाँ तो इसमें देखिए हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। अगर उसका डिजिटल रूट 1479 हो गया, तो उसमें ये है कि अगर आपका यहाँ पे केसेस हैं कि अगर आपका कोई नंबर है उसका ये वाला डिजिट, मींस 10th डिजिट, 10th प्लेस डिजिट आपका ओड हो, ठीक है, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वेयर होगा 100%। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ आपकी इवन हो, वही चीज़ अगर आपकी इवन हो, तो वी हैव टू चेक, चेक मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको, चेक करना पड़ेगा। दो दो के ग्रुप बने तो समझ जाइएगा। लेकिन अगर वो आपका ओड है तो डायरेक्टली समझ जाइए कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वेयर है। एक एग्जांपल की मदद से मैं करता हूँ, थ्री नाइन, ठीक है, यहाँ पे इसके डिजिटल रूट निकालिए, 6 और 7 13, 9 से बड़ा है, इनको ऐड करिए, 4 प्लस 6 12,
टेन, नाइन से बड़ा है, इनको ऐड करिए, वन फोर थर्टीन, अगेन नाइन से बड़ा है, इसको ऐड करिए, फोर आ गया। अब यहाँ पे फोर आ गया, तो फोर जब हमारा डिजिटल रूट आया तो अगेन ये फोर आ गया, तो वही प्रोसेस था कि मेरे को फर्दर चेक करना था। हाँ, तो यहाँ पे ये डिजिट चेक करो, ये अगर ओड है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 100%। हाँ, तो ये यहाँ पे ओड है तो 100% नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर वो यहाँ पे इवन होती तो वी कैन नॉट से डायरेक्टली कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो वी हैव टू मेक अ फैक्टर ऑफ इट। तो इस तरह से ये मेरे पास केसेस थे। एक और आधी एक्सेप्शनल केस अगर आपको मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। मैं ओवरऑल परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, तो अगर थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल केस इसके अलावा भी शायद मैंने छोड़ दी हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं क्यूब रूट से रिलेटेड आपको सारे टर्म्स बताऊँगा, उसकी अप्रोक्सीमेशन, कैसे नंबर का क्यूब रूट करना है, क्या उसका शॉर्ट ट्रिक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करवा दूँगा। एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।